देखिए इधर कविता जी बैग रेडी कर रहे हैं और कुछ कुछ बाकी है तो सबको डालिए जी, सारा कपड़ा डाल लिया ना। और देखिए अब हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों, और बारिश देना शुरू कर दिया। अभी हम लोग सोच रहे थे दोस्तों कि थोड़ा सा बारिश होगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त बारिश होने लगा ना कि हम लोग एकदम टका गए। देखिए हम लोग का घर चुना शुरू हो गया। बाय बाय। हाँ, खुश रहिए, आनंद रहिए। बाय बाय। तो अब हम लोग फटाफट निकलते हैं दोस्तों। देखिए बैग वगैरह सब ले लिए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए दोस्तों सोनम का रूम। और देखिए हम लोग को आते आते पूरा शाम हो गया दोस्तों। बैग उठाते उठाते पूरा एकदम कंधा दर्द करने लगा दोस्तों, पूरा भींग गया है ना, पूरा सबीज हो गया है। देखिए ऊपर से पूरा एकदम बारिश का पानी चू गया है दोस्तों। तो देखिए पूरा दीवार सबीज हो गया है, पूरा ताज़ा नमूना, ये देखिए पूरा एकदम पीछर हो गया है। और देखिए किचन का क्या हालत हो गया है दोस्तों बारिश में। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं दोस्तों कि हम लोग रांची क्यों आए हुए हैं, अचानक क्यों आए सोनम का रूम। तो हम लोग को ये रूम खाली करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह भी हम लोग लग गए हैं दोस्तों खाना पीना बनाने की तैयारी में। ये देखिए अभी सोनम पटल छील छील करके अभी डेगची में रखते जा रही है धोने के लिए। और उधर देखिए कविता जी भी आलू का छिलका उतार रही है पटल में डालने के लिए, है ना जी। देखिए सोनम अभी छीलने में लगी हुई है, पहले बढ़िया तरह से छील लेगी सब पटल, उसके बाद में गोल गोल काट करके सब्जी बनाएंगे। देखिए बिल्कुल ताज़ा पटल लाए हुए हैं दोस्तों, कल ही लाए हुए हैं। देखिए कितना मस्त है एकदम, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या सोनम? तो फटाफट हम लोग खाना पीना बनाते हैं दोस्तों, और जल्दी से खाना पीना खा करके निकलते हैं रांची। और रांची हम लोग क्यों जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने के बाद में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अभी हम लोग फटाफट जल्दी से खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग खाना पीना खा करके जल्दी से निकलते हैं। देखिए इधर रंगीला बाबू आ गया, देखिए इधर रंगीला बाबू आ गया और ये भी जाने के लिए खोज रहा है ना बाबू, तुम भी जाएगा ना? ठीक, चलो जल्दी से नहा धोवा करके रेडी हो जाओ। नहीं जाएंगे पूरा एकदम उसको मोटिवेट किए तब बोला कि जाएंगे। बोले ना कि आइसक्रीम वहाँ पर है, गुपचुप है, चाट है, तब बोला तब हम भी जाए। अच्छा ये सब खाने में ये माहिर है ना? उसको नहीं खा लेंगे सब कुछ। अच्छा ज्यादा टाइम खा लेगा, सब कुछ पहले खा लेगा। ठंडा नहीं पीना है, अब ठंडा दिन आ गया ना। देखिए इधर रंगीला बाबू का शरारत, साइकिल को कहाँ पर ला करके रख दिया, यहाँ कहे लाया, जाओ उधर बाहर रखो। और साइकिल का कंडीशन देखिए दोस्तों कैसा कर दिया है, देखिए पूरा एकदम भंगार बना दिया है, ये कावाड़ी में अब जाएगा वैसा कर दिया है। पूरा बढ़िया साइकिल था, नाना जी बढ़िया ला दिए थे ना, कैसा कर दिया देखो, सब एकदम उजाड़ पजाड़ करके फेंक दिया। उधर रखो, उधर उधर साइड में। और अभी सुबह सुबह का मौसम देखिए दोस्तों कितना मस्त किया हुआ है, ये देखिए पूरा एकदम पहाड़ साइड से एकदम मस्त हवा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। और अभी बारिश वगैरह भी नहीं हो रहा है दोस्तों, ना तेज धूप उगा हुआ है, एकदम अच्छा मौसम किया हुआ है। और देखिए इधर माँ सुबह सुबह बारी का काम में लग गए हैं, उधर घास वगैरह कबाड़ कबाड़ करके फेंक दे रहे हैं। और देखिए उस तरह से एकदम साइड साइड में एकदम कोड़ते जा रहे हैं, घास कबाड़ लेते हैं उसके बाद में कोड़ते हैं। देखिए बारी हम लोग का कोड़ा हुआ कम्प्लीट होने ही वाला है दोस्तों, अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उधर घास है इसीलिए उधर माँ निकाल निकाल करके पूरा एकदम कोड़ने में लगे हुए हैं। तो आप कंप्लीट हो ही जाएगा, एक आध दिन और समय लगेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, सोनम अभी बुला रही है पानी भरने के लिए, तो चलते हैं पानी फटाफट भर देते हैं। सोनम मशीन चालू कर दी है, अब चलते हैं जल्दी से पानी वगैरह भर करके सब में रेडी कर देते हैं। देखिए इधर मशीन चालू करके आ गई सोनम और पानी भरने में लग गई है ना। देखिए इधर मिस्त्री जी भी पानी पटा रहे हैं प्लास्टर करने के लिए, पूरा पानी मार लेंगे उसके बाद हम लोग पानी वगैरह भरेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों फटाफट पानी भरते हैं ये सब में। देखिए सोनम इस सब में पानी भर रही थी, लेकिन रंगीला बाबू गंदा कर दिया शायद, ये देखिए थोड़ा सा भरी हुई थी, ये सब बिखार लेंगे फिर से और भरेंगे। तो हम सभी डेगची में पानी भर दिए दोस्तों, और इधर देखिए बसनी में भी पानी भर दिए हैं, और इधर देखिए रंगीला बाबू को अभी ब्रश कर रहा है ना बाबू, जल्दी से मुँह कान धो, रेडी हो जाओ। और उधर देखिए दोस्तों कविता जी भी बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गए हैं, चलिए जी फटाफट रगड़िए, हम पानी मार देते हैं।
तो सारा बर्तन हम लोग का धोआ गया दोस्तों, और देखिए थोड़ा मोड़ा कुछ धोने के लिए बाकी है, तो अभी धो रहे हैं कविता जी। हो गया ना जी? चलिए ये बाकी है ना, इसको हम धो दे रहे हैं। चलिए इसको लेकर के चलते हैं। तो सब बर्तन धो लिए दोस्तों हम लोग बढ़िया तरह से, अब चलते हैं खाना पीना बनाने में लगते हैं, है ना जी? चलिए आइए। अदहन चढ़ा दिए हैं? अदहन हो गया। अदहन हो भी गया ना? तो कविता जी अदहन वगैरह सब चढ़ा दिए थे दोस्तों इंडक्शन चूल्हा में, और अदहन हो भी गया है। अभी कविता जी चावल वगैरह डालेंगे, और इधर देखिए सोनम अभी पटल धो धो करके काट रहे हैं ना। सोनम कटा गया सब? देखिए इतना पटल धो करके काट लिए दोस्तों बढ़िया तरह से, और देखिए अभी सोनम काट ही रही है, एक दो गो बाकी है ना। चलिए जल्दी जल्दी काटिए। और टमाटर देखिए दोस्तों कितना मस्त एकदम लाले लाल है, और कितना बड़ा है, काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। और देखिए कविता जी सारा आलू जो है छिलका उतार लिए हैं आलू का, और अभी देखिए गुड़ा भी कर दिए हैं इसमें मिक्स करने के लिए। तो सब्जी बनाने की सारी तैयारी हो गई है दोस्तों, अब चलते हम लोग फटाफट सब्जी बनाते हैं। चलो सोनम चलते, अब हम लोग पहले चावल बनाते हैं उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। तो अभी खाना पीना बन रहा है दोस्तों, तब तक चलते हैं नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं। देखिए इधर टब में पानी भरा हुआ है, इधर बाल्टी में भी भर दिए हैं, और उधर तो डेगची में भरा हुआ ही है। तो चलते हैं जल्दी से कपड़ा वगैरह खोलते हैं और नहाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों मिस्त्री जी यहाँ पर मसाला वगैरह सब रख लिए हैं, यहाँ पर प्लास्टर करेंगे इसीलिए यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए पूरा दम पाइप वगैरह लग करके कम्प्लीट हो ही गया है, देखिए इधर भी लग गया है इधर कलवट घर जाने के लिए। अब मिस्त्री जी यहीं पर प्लास्टर करेंगे, तब तक हम जल्दी से नहा लेते हैं नहीं तो मसाला सब बहा जाएगा। तो हम लोग सभी को नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों, और देखिए हम लोग रेडी भी हो गए हैं, अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। देखिए इधर कविता जी बैग रेडी कर रहे हैं, देखिए सारा कपड़ा डाल लिए हैं, और कुछ कुछ बाकी है तो सबको डालिए जी। ये सब मेरा शर्ट है, इसको भी डाल दीजिए। और देखिए इधर रंगीला बाबू को हम लोग से पहले ही रेडी हो गया है, और छाता निकाल लिया है, छाता को लेते जाएगा। अच्छा चलो चलो अभी यहाँ पर डालो। चलिए बैग लगाइए, अब सारा कपड़ा डाल लिया ना। चलिए छाता साइड में रखो बाबू, पानी आएगा ना उस समय निकालेंगे जल्दी से और पहुंचेंगे। अरे गाड़ी में अपने वहाँ पर छाया रहता है ना, गाड़ी में थोड़ी ना भींगेगा। और इधर देखिए दोस्तों लक्ष्मी भी आराम से सो रही है, ये भी नहा धो करके फ्रेश हो गई है, और कपड़ा भी चेंज कर दिए हैं इसको, अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। सोनम अभी रेडी हो रही है, देखिए इधर अभी सोनम रेडी होने में लगी है दोस्तों। हो गया रेडी? चलिए 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 जल्दी चलिए। और देखिए अब हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों, और बारिश देना शुरू कर दिया, ये देखिए पूरा एकदम झिमिर 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 एकदम लगा दिया, ये देखिए। और एकदम बादल भी एकदम टपा हुआ है, पता नहीं बारिश छूटेगा कि नहीं छूटेगा, नहीं तो हम लोग टेका जाएंगे फिर। तो अभी सोनम रेडी हो रही है दोस्तों, तब तक देख लेते हैं बारिश छूटने का आशा देखते हैं, बारिश छूट जाएगा उसके बाद में निकल जाएंगे हम लोग। और देखिए अभी लक्ष्मी उठ गई है, और लक्ष्मी को अभी चप्पल पहना रही है कविता जी। चलिए जी इसको जल्दी से पहना दीजिए, जैसे ही बारिश छूटेगा और निकल जाएंगे। उसको मत छुओ, बाल झाड़ दीजिए जी। अभी हम लोग सोच रहे थे दोस्तों कि थोड़ा सा बारिश होगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त बारिश होने लगा ना कि हम लोग एकदम टका आ गए। देखिए हम लोग का घर चूना शुरू हो गया, ये देखिए पूरा एकदम भींग गया हम लोग का घर। यहाँ पर छांदे हुए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा फूटा ही है ना कि सब पानी जो है इधर उधर चला जाता है। तो देखिए पूरा एकदम घर को एकदम पूरा भींगा दिया। और बाहर में देखिए दोस्तों कितना तेज़ बारिश हो रहा है, ये देखिए पूरा घनघोर बारिश एकदम चारों तरफ से एकदम लगा दिया है, और पूरा काला काला बादल ढका हुआ है चारों तरफ। देखिए कितना ज़बरदस्त पानी आ रहा है। और इधर देखिए दोस्तों हम लोग का बादाम बारी में फिर पानी भर गया, ये देखिए जहाँ जहाँ कोड़े हुए थे, जहाँ जहाँ गड्ढा था वहाँ पूरा पानी डबर गया।
देखिए कितना ज़्यादा बारिश हुआ। देखिए बादाम बारी के साइड साइड में पूरा नाला छाँट दिए थे दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक पूरा। तो देखिए पानी बह करके जा रहा है बाहर। तो अभी बारिश छूट गया है दोस्तों, देखिए क्लियर मौसम कर दिया है। और देखिए हम लोग भी बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं दोस्तों, सोनम भी बढ़िया से रेडी हो गई है। और लक्ष्मी को देखिए, लक्ष्मी सो रही थी लेकिन ये भी देखिए जाग गई है और ये भी फ्रेश हो करके पूरा एकदम रेडी हो गई है बढ़िया तरह से। और इधर देखिए रंगीला बाबू को अभी आगे तरफ टांग लिया है अपना बैग, अपना नहीं है ना, मम्मी का है। अच्छा, और तुम्हारा वाला क्या हुआ? वहीं पर। अच्छा, और कविता जी भी बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं दोस्तों, सबको एकदम अच्छा तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम लोग निकालते हैं, है ना माँ, हम लोग चलते हैं। ठीक, बाय बाय। हाँ, खुश रहिए, आनंद रहिए। चलो चलो चलो, लाख बरस खुश रहो, ढेर से पढ़े, है ना, खुश रहिए। हाँ, खुश रहिए। तो अब हम लोग फटाफट निकालते हैं दोस्तों। देखिए बैग वगैरह सब ले लिए हैं, सारा कपड़ा पैकिंग करके यहाँ पर डाल लिए हैं। अब हम लोग फटाफट सीधे चलते हैं। चलो चलो चलो, अभी छपर छपर मत करो। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी बस स्टैंड, गाड़ी पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। अभी मौसम कुछ क्लियर किया हुआ है, अभी हम लोग जल्दी से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर बारिश होगा तो हम लोग टेका जाएंगे। क्या सोनम, चलिए फटाफट चलिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए दोस्तों सोनम का रूम। चलो सोनम दरवाज़ा खोलो। रंगीला पास चाबी। अच्छा, यही चाबी का मालिक है। और देखिए हम लोग को आते आते पूरा शाम हो गया दोस्तों, ये देखिए पूरा बेरा डूब गया है, इतना ज़्यादा बारिश से हो रहा था ना, बारिश में हम लोग परेशान हो गए। चलिए चलिए चलिए, दरवाज़ा खुल गया। बैग बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है, बैग उठाते उठाते पूरा एकदम कंधा दर्द करने लगा दोस्तों। अब चलते हैं, पहले बैग रखते हैं। चलो लक्ष्मी, कपड़ा वपड़ा चेंज करो, बहुत दिन के बाद आए दोस्तों सोनम का रूम, एकदम अजीब टाइप का एकदम लग रहा है एकदम। इसमें भी पानी उनी घुस जाता है ना, पूरा भींगा हुआ है। अच्छा, उधर से आता है, देखे वहाँ पर दीवार में भींगा हुआ है, पूरा भींग गया है ना, पूरा सबीज हो गया है। देखिए ऊपर से पूरा एकदम बारिश का पानी चू गया है दोस्तों, तो देखिए पूरा दीवार सबीज हो गया है। ये देखिए ये सब भींगा हुआ है, ऊपर में भी भींगा हुआ है, पूरा नीचे जमीन भी थोड़ा थोड़ा भींग गया है। तो ऐसे ही था ना, तो सूख गया है, भींगता था और सूखता है पता नहीं। और उधर दरवाजा तरफ से भी थोड़ा थोड़ा पानी आके भींग गया है, जाके देखिए। देखिए इधर से भी पानी घुसा हुआ है दोस्तों, ये देखिए अभी तक एकदम पूरा एकदम पानी डबरा हुआ है। ये देखिए पूरा ताजा नमूना, ये देखिए पूरा एकदम पीछर हो गया है। और देखिए किचन का क्या हालत हो गया है दोस्तों बारिश में, ये देखिए पूरा पानी वगैरह घुसा ना तो पूरा एकदम महक रहा है, पूरा पूरा सेंट दे रहा है। और हम लोग रांची क्यों आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग को चलिए बताते हैं पूरा डिटेल से। देखिए इधर रंगीला का शुरू हो गया साइकिल चलाना, उधर अभी रखो, उधर रखो साइड में, साइड में रखो और बैठो थोड़ा देर। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं दोस्तों कि हम लोग रांची क्यों आए हुए हैं, अचानक क्यों आए सोनम का रूम। तो हम लोग को ये रूम खाली करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, पानी का अलग समस्या होता है और फिर बारिश वगैरह का अलग समस्या होता है, क्योंकि पानी वगैरह पूरा घुस जाता है और समय समय में पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम लोग सोचे हुए हैं कि ये रूम खाली कर देंगे। और सोनम का भी यहाँ पर रहने का मन नहीं है दोस्तों, इसीलिए सोच रहे हैं कि हम लोग रूम को खाली ही कर देते हैं। तो चलिए अभी तो हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा बारिश हुआ ना तो पूरा एकदम भींग गए हैं। तो चलिए अब हम लोग कपड़ा वगैरह चेंज करके आराम करते हैं थोड़ा देर, उसके बाद में सुबह में खाली करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।